हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी। ओके, देखिए आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ला के रखा हूँ मैं आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका सभी बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता है। दैट इज टाइम टेबल ऑफ एग्जाम। एग्जाम्स का टाइम टेबल कब है, सभी बच्चे उसी के लिए पूरे साल मेहनत करते हैं। तो जो बोर्ड ने लास्ट टाइम दिया था टेंटेटिव एग्जाम का टाइम टेबल, ओके, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के डेट्स आगे पीछे हुए, कुछ सब्जेक्ट चेंज हुए हैं। ओके, तो उसको मतलब नजर में रखते हुए बोर्ड ने क्या किया है, टाइम को चेंज किया, और ये आपका न्यू टाइम टेबल है। इधर आपका साइंस के लिए, इधर आपका कॉमर्स के लिए। ओके, तो ये ध्यान से देखना है। और आपको हाँ, लास्ट टाइम जो भी मिला है आपको, हाँ, जो कुछ समय पहले आया था, पिछले मंथ में आई थिंक आया था, तो वहां पर टेंटेटिव डेट लिखा हुआ था। ओके, तो आपको उसको फॉलो नहीं करना है, आपको इसको फॉलो करना है। और एक बात, इफ इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, ओके, तो क्या होता है कि वो बोर्ड वाले वापस से टाइम को चेंज कर सकते हैं, टाइम टेबल। तो आपको एक बार अपडेट देख मतलब देखते रहना है। और जब जब आपको हॉल टिकट मिलता है ना, तो एक और उस वहाँ का जो डेट है ना सब्जेक्ट का, वहाँ का टाइम टेबल और यहाँ का टाइम टेबल, दोनों को आप मैच कर लीजिएगा। ओके, कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा चेंजेस, कुछ शेड्यूल्स की वजह से चेंजेस हो जाता है। लास्ट टाइम देखो जैसे में क्या हुआ था, कुछ बच्चे लोग को होली का पेपर, मतलब होली के दिन ही पेपर रख दिया गया था। ओके, कैलेंडर के हिसाब से होली एक दिन पहले था, और लोगों ने होली उस दिन माना, तो होली के दिन ही पेपर रख दिया, तो बच्चे लोग उस दिन ना जाके किसी और दिन गए थे पेपर देने, तो बहुत सारे बच्चे लोग का नुकसान हो गया था। ओके, तो उस चीज को देखते हुए आपको क्या करना है, जो आपका टाइम टेबल है, ओके, ये है ये, और जो आपका जो हॉल टिकट मिलता है उसको दोनों के मैच कर लेना लास्ट में। ओके, फिर ही आप मतलब कुछ ये करो, क्योंकि देखो ये तो बोर्ड ने फिक्स कर दिया है, लेकिन मे भी कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते जिसके वजह से क्या करता है, उनको टाइम टेबल चेंज करना पड़ता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टाइम टेबल में है क्या एक्चुअल में। ओके, चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पे है 12 साइंस, ये है 12 साइंस है, महाराष्ट्र बोर्ड का टाइम टेबल है, और यहाँ पे 12 कॉमर्स है। ओके, देखिए जो यहाँ पे डेट है, टाइम, सब्जेक्ट, फर्स्ट क्या है 21 तारीख, सेकेंड यानी कि 21 फरवरी को है, उसका जो टाइमिंग है 11 to 2 है, इंग्लिश है। इंग्लिश कितने मार्क रहता है, 80 मार्क रहता है, इसलिए 3 आवर्स का है। आपके जितने भी है सब वैसे ही सेम है, सबका सब पेपर 80 मार्क्स करेंगे, 3 आवर्स करेंगे। ओके, फिर आता है सेकेंड 22 फरवरी, दैट इज हिंदी। ओके, फिर आता है 23 फरवरी, दैट इज मराठी। ओके, ये तीन पेपर ना कॉमर्स वाले के लिए भी सेम है, और साइंस वाले के लिए सेम है, और आर्ट्स वाले के लिए भी सेम है। ओके, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। ओके, जिनका जो रहेगा, जिनका हिंदी लिया उनका हिंदी रहेगा, जिन्होंने हिंदी नहीं लिया है, कुछ लोग मराठी ले तो मराठी रहेगा, और जिन्होंने हिंदी और मराठी दोनों ने लिया, आईटी लिया, तो उनका सबसे लास्ट में रहेगा आईटी रहेगा। ओके, तो ये हो गया। फिर थर्ड वन क्या है, मराठी है। फिर आते हैं फोर्थ वन, यहाँ से मेन पेपर आपका स्टार्ट होता है, दैट इज 27 को स्टार्ट होता है, दैट इज फिजिक्स। ओके, 27 फरवरी को आपको क्या है, फिजिक्स है, और फिजिक्स के लिए हमेशा जो बोर्ड का जो उनका जो पैटर्न रहता है ना, वो लोग टाइम देते हैं बच्चों को, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा सा बाकी के कम, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कंपेयर में थोड़ा सा लेंदी भी है, थोड़ा सा टफ भी है। ओके, इसके लिए इसको थोड़ा ज्यादा टाइम मिला है। देखो क्या है, 27 को फिजिक्स हो गया, फिर 29 को, ओके, 29 को क्या है, केमिस्ट्री। ओके, उसके बाद है 2 मार्च को क्या है, हमारा मैथ्स, और मैथ्स 1 2 दोनों साथ में रहता है, आपको पता है वो चीज। फिर 6 तारीख को क्या है, 6 तारीख को बायोलॉजी है। फिर 15 तारीख को क्या आता है, ज्योग्राफी। जो कुछ बच्चे क्या होता है, मैथ्स नहीं लेते, नॉन मैथ्स वाले रहते हैं उनको ज्योग्राफी रहता है, कुछ बच्चे नॉन बायो वाले रहते हैं उनको ज्योग्राफी रहता है। तो 15 तारीख को क्या है आपका, ज्योग्राफी। और जिन्होंने आईटी लिया उनके कॉलेज के हिसाब से, हाँ सॉरी, उनके कॉलेज के हिसाब से 20, 21, 22 मार्च को कभी भी रख सकते हैं। और वो दो टाइम है उसके लिए, एक है 11 to 1:30 और दूसरा 3 to 5:30, ये दो टाइम में से आपके कॉलेज वाले कभी भी रख सकते हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये आपका क्या है, लास्ट पर आईटी। ओके, तो ये आपका साइंस का हो गया। देखिए पहला इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तीनों के सेम है। फिर आता है 27 को मेन फिजिक्स है, और 29 को केमिस्ट्री है, और 2 को मैथ्स है, 6 को बायोलॉजी है, और 15 को ज्योग्राफी, और लास्ट में क्या है आपका, आईटीआई। ये हो गया साइंस। अब आते हैं कॉमर्स में। देखिए कॉमर्स में 21 को इंग्लिश, 22 को हिंदी, 23 को मराठी, यहाँ तक तो आपका सेम रहे। फिर आता है 26 को, दैट इज ओसीएम। ओसीएम भी क्या है, थोड़ा सा लेंदी है बाकी के कंपेयर में, इसके लिए क्या है, इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया गया है। फिर आता है 26 के बाद आता है 28, दैट इज एसपी। फिर 2 तारीख, हाँ 2 मार्च को आता है क्या आपका, मैथ्स।
फिर 7 मार्च को आता है बीके। देखिए जो जो जिसमें मतलब थोड़ा सा ज्यादा है पोर्शन, थोड़ा सा लेंदी है और जो थोड़ा सा टफ है ना बोर्ड के हिसाब से, उसके लिए बोर्ड ने बराबर टाइम दिया है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बीके के लिए टाइम दिया है और ओसीएम के लिए टाइम दिया है। फिर लास्ट में आपका क्या आता है, इको आता है। और एक चीज ध्यान देना है, जो बीके है और इको है उसका जो टाइम है ना, टाइमिंग पेपर का एक कितना है, 3 to 6 है इवनिंग में, कहाँ है इवनिंग में है 3 to 6, और बाकी का क्या है 11 to 2 है, यहाँ तक हाँ, यहाँ तक मैथ्स तक, हाँ मैथ्स का जो पेपर है वहां तक आपका 11 to 2 रहेगा पेपर। उसके बाद के लास्ट के जो दो पेपर रहेंगे ना, देट इज बीके एंड इकोनॉमिक्स, क्या है 3 to 6 रहेगा इवनिंग में। ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या होता है ना गलती से मतलब सेम टाइमिंग पे चले जाते हैं, ओके ये चीज आपको करना नहीं है। यहाँ पे ये आपका साइंस का टाइम टेबल है और ये आपका कॉमर्स है। तो कुछ बच्चे होंगे जो अभी तक पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किए, ओके कुछ बच्चे होंगे जो उन्होंने अभी क्या किया है, पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अभी से एटलीस्ट अब से तो स्टार्ट कर दो। क्यों? नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी पे नवंबर मंथ आ गया तो समझो नवंबर तो क्या है आपका, जो दिवाली को कुछ बच्चे वेकेशन मनाते हैं, लेकिन जो मेन चांस है ना पढ़ने का आपका नवंबर है, ओके। तो आपको ये जो नवंबर का जो मिला ना 20 डेज का कुछ रहता है वेकेशन, किसी का 25 डेज का रहता है, किसी का 15 डेज का रहता है, तो ये जो वेकेशन उसको प्रॉपर यूज करो, ओके। तो उसके लिए मैं एक आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगा कि हमको टाइम को कैसे मैनेज करते अपना स्टडी करना, ओके। इसके बाद मैं एक नया वीडियो दूंगा। तो यहाँ पे से हम लोग टाइम टेबल देख रहे हैं, तो ये तो हो गया आपका 12th साइंस का, 12th कॉमर्स का, ओके। अभी हम लोग देख लेते हैं 10th का भी का है, हाँ तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग 10th का टाइम टेबल देखते हैं। अरे दोस्तों अब देखते हैं क्लास 10th वालों का टाइम टेबल। देखिए क्लास 10th इंग्लिश मीडियम का टाइम टेबल है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, डेट से टाइम है सब्जेक्ट से। जो फर्स्ट पेपर है 4 तारीख को, 4th ऑफ मार्च को, उसका टाइमिंग है 11 to 2 मराठी पेपर, ओके। टाइमिंग सब में यहाँ पे सेम रहेगा, 11 से 2 रहने वालों, कुछ भी चेंजेस नहीं होता 10th वालों में, ओके। फिर सेकंड वाले 4th तारीख कितना 7 को है इंग्लिश का, फिर 9 तारीख को है हिंदी का, 13th को है अलजेब्रा का, 15 को है ज्योमेट्री का, 18 को है साइंस 1 का, 20 को है साइंस 2 का, और 22 को है हिस्ट्री का, और 26 को है ज्योग्राफी का, ओके। तो ये सब चीजें ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका लेटेस्ट टाइम टेबल है, जो टेंटेटिव आपके जो बोर्ड ने पहले रिलीज किया था उसको चेंज करके उन्होंने वापस से चेंज करके दिया है। इफ इन केस अगर जो कुछ वापस से प्रॉब्लम होते हैं तो चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। जब चेंजेस होगा तो आपका जो टाइम टेबल आएगा ना, कुछ 14-15 फरवरी को आपको हॉल टिकट मिलने वाले हैं, 10 से 15 के बीच में आपको हॉल टिकट मिल जाएंगे, आपके कॉलेज स्कूल्स वगैरह कॉलेजेस में आ जाएंगे, इनका 10th वाले बोल रहा हूँ स्कूल्स में आ जाएंगे। तो जब उनको हॉल टिकट मिलेगा तो उस पर टाइम टेबल रहता है, तो आप उसको क्या करो, एक बार इसको मैच कर लेना। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने टाइम टेबल चेंज किया होता है, बट अपडेट मिलते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं, बट क्या होता है ऑफलाइन नहीं मिल पाते बहुत सारे बच्चों को, तो मिस्टेक्स हो जाते हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, आपको अपडेटेड रहना है टाइम टू टाइम। वैसे मेरे पास जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं आपको शेयर जरूर करूँगा, ओके। तो ये आपका 10th का ध्यान से देख लीजिए, वापस बता रहा हूँ, 4 तारीख को है क्या है 11 to 2 है मराठी है, फिर 7 को क्या है इंग्लिश है, 9 को हिंदी है, 13 को अलजेब्रा है, अलजेब्रा के लिए थोड़ा टाइम मिला है, फिर ज्योमेट्री 15 को है, और 18 को साइंस 1, 20 को साइंस 2, 22 को अपना है हिस्ट्री, और 26 को है अपना ज्योग्राफी। तो ये आपका क्या है अपडेटेड टाइम टेबल है, आपको इसको भी फॉलो करना है। जब तक को कुछ भी ऐसा बोर्ड से नया सर्कुलेशन नहीं आता तब तक के लिए तो यही है आपका फिक्स, क्योंकि टेंटेटिव आया तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होकर आपका नया डेट बनी, ओके। तो आपको इसको फॉलो करना है। हिंदी मीडियम में देखिए कुछ चेंजेस जो रहता है ना, तो 80% देखिए यहाँ से तो सेम ही रहता है, अलजेब्रा से लेकर इधर पूरा सेम रहता है, ये 3 में चेंज होता है लैंग्वेजेस में। तो जो लैंग्वेज देखो ऊपर जो टाइम छूटा है ना 1, 2, 3, तो मैं भी वहाँ पर उनको एडजस्ट कर देते हैं, तो जैसे ही मेरे को पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ओके। तो देख लीजिए टाइम टेबल, और यहाँ से आप अपना क्या कीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, अब वो समय आ गया है। जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, तो जिन्होंने स्टार्ट किए थे बीच में छूट गया था किसी कारणवश, अब वो समय आ गया है कि बेटा अगर आप अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं करोगे। यहाँ से आपको अपने आपको प्रिपेयर करना है, अगर आपने अच्छे मार्क्स के लिए मतलब सोच के रखे तो अच्छे कॉलेजेस चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, ओके। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करना और कैसे आपका पूरा स्टडी करना, जो बैकलॉग लगा के रखे आप लोग हैं
जो कुछ चैप्टर्स आपके छूट गए हैं उसको कैसे मैनेज करना है, मतलब बाकी सब्जेक्ट के साथ में, तो मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँ। ओके, तो आज के लिए बस इतना था कि आपको लेटेस्ट जो टाइम टेबल आया था वो बताने का मेरा मेन मोटिव था, वो हो गया है। ओके, तो देखते रहे हमारा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।